हाउस ही जब नामकमल है तो फिर उसका उसी हाउस का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन कैसे मुंतब होगा? तो फिर तो मुखालफिन आपको तनकीद का निशाना तो बनाने में हक बजाना। मुखालफिन कभी कभी मुखालफिन जब जो है आप जितने भी अच्छे काम कर लें आपको कभी भी अच्छा नहीं कहेंगे। मुखालफिन हमेशा आपको तनकीद का निशान ही बनाएंगे। हाउस अगर इनकम्प्लीट है तो किसकी वजह से इनकम्प्लीट है? इन्हीं की वजह से, और ये नहीं चाहते कि ऐसे इलेक्शन और इस चीज़ों को हम डिले करते रहें। हाउस सिर्फ जो है इस वक्त 11 सेंटर्स जो है वो मौजूद नहीं होंगे, और किसकी बदौलत? वो सुनीतियात काउंसिल और पीटीआई जो भी आप उसको नाम देंगे की बदौलत ये हाउस इनकम्प्लीट है। और वो ऐसे ही चाहते हैं कि इस तरीके से चलता रहे, इस तरीके से सियासत नहीं होती, इस तरीके से वो चला जाते हैं। आप ऐसी जमात में आप लोग गए हैं आपके आजादारा की जिसका अपना सरबरा अपनी जमात पे जो है एतमाद नहीं करता और उस पर जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ा और आप उसमें गए और आपको पता है आपके अपने लीगल एडवाइजर ने आपको अभी तक जिन फेजेस से गुजरे हैं आप लोगों को जो है वो इन लोगों को जो है इस पार्टी को जो है मरवाया है, चाहे जो 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 फेजेस गुजरे हैं। आज आपको नहीं पता था कि आपको सीटें नहीं मिल सकती और आपने जानबूझकर ऐसी जमात में को इख्तियार किया जिसमें आपको सीटें नहीं मिली हैं, तो लिहाजा आप खुद ऐसा एक्ट करते हैं जिससे आपको चीजें नहीं मिलती। बाद में कहते हैं कि हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है, हमारे साथ वो ज्यादती हो रही है। आइन और कानून की बात करने वाले जो पार्लियामेंट में कहते हैं, जब केपी की बात आती है अपने सूबे की बात आती है तो इसको आइन भी याद नहीं होता, कानून भी नहीं याद नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन भी याद नहीं होता, रूल ऑफ लॉ भी याद नहीं है। लेकिन जब इस्लामाबाद में आते हैं या पंजाब में जाते हैं या किसी और सूबे में जाते हैं फिर हमें जो है आइन सिखाते हैं और कानून सिखाते हैं और रूल ऑफ लॉ सिखाते हैं।